दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पुलिस से सर फुटौल में लगे हुए हैं और इस सब के बीच दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही। दिल्ली के लाजपत नगर की खबर है, एक बड़ी लूट की वारदात यहां पर हुई है। एक व्यापारी से बदमाशों ने, बताया जा रहा है, तकरीबन 8 करोड़ रुपए लूट लिए। बदमाश एक वैगन आर में सवार थे, मौके पर अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए और फरार होते हुए उन्होंने व्यापारी की होंडा सिटी कार भी वहां से वो लेकर चले गए। पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ढेरों उठ रहे हैं। अव्वल ये कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 9:45 सुबह की ये वारदात है, यानी दिन दहाड़े इस तरह से अगर किसी वारदात को अंजाम देने लगे अपराधी तो समझ में आता है कि कानून का खौफ कितना कम है। दूसरा ये कि एक मेट्रो स्टेशन के पास बताया जा रहा है, जहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है और साथ ही ज्यादातर मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली पे यही नजर आता है कि एक पेट्रोल गाड़ी पुलिस की जरूर रहती है वहां पर, लेकिन यहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। मूलचंद फ्लाईओवर के पास ये लूट हुई है, बहुत ही व्यस्त इलाका ये रहता है। यहां पर ये बताया जा रहा है कि होंडा सिटी में भी कुछ लोग मौजूद थे, जिसमें करीब 7 से 8 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि लेकर फरार हो गए हैं बदमाश। बदमाश अपने वैगन आर कार से आए, ये उसी गाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है इसका। ये गाड़ी ओवरटेक होकर खड़ी हुई, उसके बाद जब विरोध दर्ज करने के लिए उतरे जितने भी लोग सवार थे उस होंडा सिटी गाड़ी में, तब पीछे से बदमाश इस गाड़ी को लेकर पैसों समेत फरार हो गए वहां से। ये क्राइम की जगह को चिन्हित किया गया है और वहां पर तफ्तीश की जा रही है, देखा जा रहा है कि कौन हो सकते हैं वो बदमाश। इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के जरिए भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल, कितनी जानकारी अभी तक हासिल हुई है इस वारदात को लेकर? देखिए श्वेता, इस पूरे मामले में अभी हमारे कुछ सीनियर अधिकारियों से बात हुई और उनका ये कहना है कि इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर इतनी रकम लेकर के आ रहे थे और एग्जैक्टली उनको ओवरपावर किया जाता है, उनकी गाड़ी का पीछा किया जाता है। एक वैगन आर गाड़ी से गाड़ी को ओवरटेक किया जाता है, रोका जाता है और दूसरी गाड़ी में पीछे से बदमाश आते हैं और उनके पास हथियार होते हैं, बाकायदा उन सारे पैसों को लूटा जाता है। एक गाड़ी मौके पर बदमाश हो गया है और दूसरी होंडा सिटी कार जिसमें पैसे थे, व्यापारी लोग बैठे हुए थे, उन सारे लोगों को बंदूक की नोक पर ओवरपावर करने के बाद वहां से भाग जाते हैं इस व्यस्ततम रोड पे, रिंग रोड। मैं बताना चाहूंगा कि रिंग रोड सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, इतनी ज्यादा व्यस्त होती है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके की वारदात को करना और वहां से आसानी से निकल जाना, ये साबित कर देता है पुलिस की आशंका है कि इस पूरे मामले में कोई भीतरघाती हो सकता है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि बदमाशों के पास ईच एंड एवरी की जो मूवमेंट की जो पूरी जानकारी होती है वो पूरी जानकारी थी। इसके अलावा बदमाश वहां से निकलेंगे कब, किस तरीके से सारी लूट को अंजाम दिया जाएगा, बहुत ही सुनियोजित तरीके से लूट को अंजाम दिया गया है। बहरहाल जो पुलिस की टीमें हैं उसने जो इसमें प्रॉपर्टी डीलर है और उनकी गाड़ी में जो 4 लोग और सवार थे उन सभी से पुलिस की जो टीमें हैं पूछताछ कर रही है, न सिर्फ साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बल्कि बगल की जो साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीमें होती है उसको भी लगाया गया है इस मामले में। इसके अलावा स्पेशल स्टाफ जो होता है, इसके अलावा क्राइम ब्रांच जो होती है, सारे एक्सपर्ट्स को जो दिल्ली पुलिस के होते हैं सबको मौके पर बुला लिया गया है और जिस होंडा सिटी गाड़ी में इस पूरी बदमाश लेकर के भागे हैं जिसमें कैश मौजूद है, 6 से 7 करोड़ के आसपास की कैश बताया जा रहा है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि एग्जैक्ट कैश कितना है इसमें। तो जाहिर तौर पर पुलिस की काफी टीमें इस पूरे मामले में लगातार छापेमारी कर रही हैं और पुलिस को उम्मीद है कि ब्रेक थ्रू मिल सकता है, लेकिन इस बात से पुलिस इनकार नहीं कर रही है कि कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो कि व्यापारी के साथ रहा हो या फिर उसको इस पूरे मूवमेंट के बारे में जानकारी रही हो। तो जाहिर तौर पर पुलिस के जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, पुलिस अभी भी किसी को इस पूरे नहीं दे रही और सबसे लगातार जो व्यापारी के साथ थे उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि अगर बदमाश गए इतनी बड़ी रकम लेकर के तो गए कहां। वाजिब सवाल है विशाल, क्योंकि वाकई जिस तरह का इलाका है, किसी काम से भी कोई शख्स निकले तो यहां पर जाम में फंसना लाजमी है, गाड़ी खिसकती नहीं है यहां पर और यहां पर एक गाड़ी से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं सारे अपराधी। ये जो गाड़ी पीछे छोड़ गए हैं विशाल, इसके रजिस्ट्रेशन प्लेट से अभी तक कुछ पता चल पाया है किसकी गाड़ी है? इस तरह से छोड़ गए हैं यानी कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं था, उन्हें कोई ये नहीं था कि हम इसके जरिए हमें ट्रेस किया जा सकता है?
देखिए श्वेता, अभी अभी जो हमारे पास जानकारी यही है उसके मुताबिक यूपी 14 BJ6410 वैगन आर गाड़ी का नंबर है जो बदमाश मौके पे छोड़ के गए थे। आमतौर पे श्वेता हमेशा यही होता है कि अगर इतनी बड़ी होती है, अगर छोटी सी भी वारदात होती है तो आमतौर पे देखा जाता है या तो लूटी हुई गाड़ी का, चोरी हुई गाड़ी का अब बदमाश अक्सर इस्तेमाल करते हैं, या फिर नंबर प्लेट जो मौके पर मिलती है वो नंबर प्लेट पूरी तरीके से टैम्पर्ड होती है, उसको गलत तरीके से बदमाश कहीं से उठा लेते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि उसको गलत तरीके से पेंट करा के इस्तेमाल किया जाता है। तो जो जानकारी आई है श्वेता उसके मुताबिक यूपी 14 बीजे जो गाड़ी का पूरा नंबर है 6410, इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद का है, वैशाली सेक्टर 5 के आसपास की इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। तो ऐसे में सवाल श्वेता ये उठता है कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है और बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है तो पुलिस का जो सबसे पहला काम है वो यही है कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर पुलिस पहुंचेगी जिसके नाम से गाड़ी खरीदी गई है या अभी जो गाड़ी का मौजूदा मालिक है, पुलिस उसको बुलाएगी, उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जितने भी दिल्ली पुलिस स्पेशल टीमें हैं, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल स्टाफ हो, सभी जो स्पेशल यूनिट्स होती हैं उसको इस तफ्तीश में शामिल कर लिया गया है। लेकिन श्वेता जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, डिफेंस कॉलोनी में एक लूट हुई थी लगभग 5 करोड़ के आसपास, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, 1 महीने तक लगातार ऐसी वारदात को पुलिस ने रोकने के लिए बहुत कोशिश की थी, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये अब 7 से 8 करोड़ के आसपास का मामला सामने आ रहा है, हालांकि अभी रकम जो है वो स्पष्ट नहीं हो सकी है, तो पुलिस इस मामले को खोलने की कोशिश जरूर कर रही है, ब्रेकथ्रू पाने की कोशिश जरूर कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया है बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है कि बदमाशों के पास सारे मूवमेंट्स की एक एक जानकारी थी, और इसी वजह से पुलिस जो आसपास के लोग हैं, जो व्यापारी के अगल बगल के लोग हैं, और खासतौर पर उन लोग जिनके जरिए ये पैसे लेकर के जा रहे थे, 7 से 8 करोड़ रुपए की रकम ये किससे मिली थी, कहाँ हैंडओवर की गई थी और कहाँ लेकर के जा रहे थे, इस पूरे मूवमेंट के बारे में बदमाशों की जानकारी होने का साफ मतलब है कि कोई भीतरघाती इस पूरे मामले में मौजूद जरूर है। बाकी थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है विशाल, क्योंकि रिंग रोड का इलाका है, पुलिस की कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, किसी तरह के चेज की यानी पीछा करने की बात नहीं सुनाई दी है, और क्या इन्फॉर्म करने में देरी हुई थी, क्यों नहीं शुरुआत में ही पता चल पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्त इलाका है विशाल। श्वेता लगभग 9:30 से 10:30 के बीच की ये घटना बताई जा रही है जब ये वारदात हुई है। 9:30 से 10:00 में बताना चाहूंगा श्वेता, आज मंगलवार का दिन है, ऑफिस लोग जाते हैं, और जिस वक्त लोग ऑफिस जाते हैं दिल्ली का कोई भी इलाका हो श्वेता, रिंग रोड तो बहुत ही ज्यादा व्यस्त होती है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं रिंग रोड पर ही चल रहा हूँ और अच्छा खासा ट्रैफिक मुझे अभी भी मिल रहा है लाजपत नगर थाने जाने के लिए। तो अगर 9:30 और 10 बजे के आसपास का वक्त होता है, अच्छी खासी रूट्स वहां पे होती हैं, लोग वहां पे मौजूद होते हैं, और अगर उस समय वहां कस के शोर मचाया जाए या पुलिस को तुरंत अलर्ट किया जाए, गाड़ियों के बारे में जानकारी दी जाए, तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में सफलता अर्जित की जा सकती थी। लेकिन जैसा कि व्यापारी का कहना है कि वहां मौके पे पिस्टल्स निकाल ली गई थी, कट्टा निकाल लिया गया था, इसकी वजह से व्यापारी काफी डर गए थे। और जो शुरुआती रिएक्शन टाइम होता है श्वेता, किसी भी वारदात को हो जाने के बाद 3 से 4 मिनट का जो रिएक्शन टाइम होता है, अगर इसमें किसी भी मामले में लोग अगर थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं तो जाहिर तौर पर बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, लोगों को ट्रैक किया जा सकता है, गाड़ी को ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से 3 से 4 मिनट शुरुआती अगर लेट होता है श्वेता, पुलिस को इन्फॉर्म करने में, बाकी लोगों को जानकारी देने में, कंसर्न एजेंसी को इन्फॉर्म करने में, तो ऐसे मामले में जो रिकवरी की पॉसिबिलिटी होती है तुरंत में, वो काफी मुश्किल हो जाती है। तो वही पुलिस कुल मिला के परेशानी झेल रही है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन है पुलिस का लगातार जारी है, और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया जाएगा।